अब आपने पूछा था कि कंपैरेटिवली माइंड यू कि इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट, चाहे वो सूर्य कुमार है, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे वो ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा एंड दे हैव तो दोस्तों 24 तारीख को लेकर माहौल बन रहा है भारत पाकिस्तान में, जो मैच होने वाला है T20 में भारत पाकिस्तान एक दूसरे से, मतलब आप समझ लें 5 साल बाद खेलेंगे। इससे पहले भारत और पाकिस्तान लास्ट टाइम 2016 में वर्ल्ड कप में खेले थे, जिसमें भारत आसानी से जीत गया था। और अब देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में होता क्या है। मैच है, आपको भी पता है जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, ऐसा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि हम ही जीतेंगे। अब आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो डॉक्टर नुमान नियाज़ है, काफ़ी बड़े एंकर हैं, बहुत नॉलेज है ये क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जावेद मियादाद भी हैं यहाँ पर, खुद प्रैक्टिस करते थे, सारा कुछ अपने ऊपर होता था, अपने आप को मेंटेन करते थे, उस काबिल बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते। अब आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं जब आपके ना फॉल्ट आ रहे हैं, जब आपकी बेसिक नहीं है, पहले यहाँ पिच एंड चूज कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा क्या आया ये लड़के का अच्छा है। फिर देखना होता है कि ये लड़का उस बॉलर के लिए ही अच्छा होगा, नहीं तो यू नीड आई। यहाँ पर लोगों को जो भी ये सिलेक्ट करते हैं, जो भी यानी कि इससे कंसर्न है क्रिकेट के, उनसे पहले क्वेश्चन आंसर करो, पूछो। अगर क्रिकेट को अपने हमने ऊपर लेके जानी है और लाइक टॉप लेवल पे, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ये वो चीजें सबसे करनी पड़ेगी। और बिफोर यू मेकिंग एनीवन के आपका वो कोच बने, ये मैं उससे जज कर रहा हूँ, उसको पहले फिरवाएं आप। अच्छा जावेद भाई, कमिंग बैक टू ये जो अभी मौजूदा स्क्वाड है, इस पर जरा आपसे एक आपके एनालिसिस लेना चाहेंगे कि जब पिछली टीम सिलेक्शन हुई इसी टूर्नामेंट के लिए, तो फिर एक क्रिटिसिज्म ये था कि आपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को प्रेफर नहीं किया। शुएब मलिक की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते थे, सरफराज की शमूलियत पर हिमायत की जाती थी। अब जब सरफराज और शुएब दोनों हैं, पहले ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन पर कितना प्रेशर होगा अब परफॉर्म करने का, और क्या इस परफॉर्मेंस प्रेशर में वो अपनी गेम खेल पाएंगे? देखिए एज जो है मैटर नहीं करती, आपने उसकी क्वालिटी देखनी है। अगर मैंने देखा है कि 50-50 साल वाले जो है खेलते हैं राइट, उनकी फिटनेस, आपको फिटनेस देनी है, आर यू फिट इनफ टू प्ले क्रिकेट। अगर वो लड़का मैं कहता हूँ 50 साल का भी है, अगर वो आपके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, तो उससे अच्छा और कौन मिल सकता है कि मोर एक्सपीरियंस इन एनीथिंग है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हम नहीं खेल रहे हैं ना, हमारी बेस डिफरेंट है, हम बेस छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वहां की क्रिकेट डिफरेंट है, वहां पर प्लेयर जो है वो खुद छोड़ देता है क्रिकेट, थोड़ा सा खेलता अच्छा होता कहता हो क्या लेफ्ट, वहां पर जो है काउंटी की तरह उनके जो कोचिज है या उनके जो जहां जहां से ये खेलते हैं वो जिम्मेदार होता है, वो पनाह के ऊपर लेके आते हैं। हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है, इसीलिए जब हम क्रिकेट खेल रहे थे बैंकों वाली, जब डिपार्टमेंट से आपके सबसे बेस्ट प्लेयर जो होते हैं ना उस वक्त, यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज में, क्योंकि हर प्लेयर के पास, हर टीम ने अच्छे प्लेयर लिए, तो क्वालिटी क्रिकेट होती थी और उसकी वजह से आप वर्ल्ड चैंपियन भी हो। वो लड़के जो कभी डरते या अभी आज जितने भी है, जैसे हमीद देवो, ये सब पैदावार जो है। जावेद भी मुझे यही सवाल जरा डॉक्टर साहब से भी करना है, उनका भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ठीक है, फिजिकल फिटनेस तो प्राइमरी चीज है, आपका फोकस भी गेम में बड़ा जरूरी है। अब मेन प्लेयर्स आपके सीनियर प्लेयर्स मैच से हफ्ता पहले उन्हें नहीं पता कि वो स्क्वाड में है या नहीं है, अब वो स्क्वाड में आ गए हैं, फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं, परफॉर्म कर सकेंगे? अच्छा इसमें जी सबसे पहले तो एक चीज जैसा जावेद भाई कह रहे थे, इट इज नॉट असेंशियल कि कितने बड़े प्लेयर्स आपके पास हैं, उनकी T20 में यूटिलिटी कैसे। अब अगर आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, बट वो ओपन करेंगे। अगर उनके स्ट्राइक रेट्स देखें, एक का करियर स्ट्राइक रेट 129 है, एक का 130 है, दिस मींस अगर वो 100 की पार्टनरशिप लगाते हैं तो 14 ओवर गुजर गए। हफीज का लास्ट ईयर मिजरेबल गुजरा, उससे पहले जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, अभी डेंगी के बाद वापस आ रहे हैं, अगेन उनका स्टाइल है कि वो थ्रॉटल, मतलब वो लेट एक्सेलरेशन करते हैं। मलिक अगेन वो सेवियर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कैमियो खेलने, डेलिकेट क्रिकेट खेलनी और वो फिर पंच करते हैं, वो पावर हिटर नहीं है। सरफराज गेम ऑफ एंगल्स वाले हैं, इम्प्रोवाइजेशन, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं।
तो क्या ये सारे एक कैनवस में फिट बैठेंगे? क्योंकि आपने प्लान कैसे करना है कि पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आपने पावर हिटर्स के साथ जाना है, वो तो आपके हैं नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है 7 से 15 में बिल्ड करना है, तो बिल्डिंग एक्सेलरेशन में आके लास्ट फाइनल फ्लरिश कौन देगा? हसन अली देगा या अमाद वसीम देगा? सो ये इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, फिर शुएब मलिक का आई हैव बीन हिज ग्रेटेस्ट सपोर्टर, 11,000 रन हो गए T20 में, बट एट द एंड ऑफ द डे जितने भी वो खेले हैं व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स इन द लास्ट 10 ईयर्स जो वर्ल्ड ग्लोबल टूर्नामेंट, 18.5 की एवरेज है। सो ही हैज नॉट ओनली दिस टाइम कि प्रूव करना है, स्वान सॉन्ग है उनका, लास्ट ये 6ठा वर्ल्ड कप होगा, ही हैज प्लेड इन ऑल T20 वर्ल्ड कप्स अदर देन 2010, सो प्रेशर तो होगा। सरफराज का अगेन थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा, क्या वो एज बैट्समैन खेलेगा या वो रिजर्व विकेट कीपर ही रहेगा और वो नहीं खेलेगा और रिजवान विकेट कीपिंग करेगा? सो आपका टीम का बैलेंस कैसे बनेगा? सो इट इज नॉट एन ईजी आस्क फॉर सकलैन मुश्ताक, और वो तो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लैंडर, तो वो तो इतने रेलिवेंट नहीं होंगे, सकलैन को करना है। सो अब आपने पूछा था कि कंपैरेटिवली, माइंड यू कि इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट्स, चाहे वो सूर्य कुमार है, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा, एंड दे हैव द फायर पावर। इंग्लैंड इन विकेट्स पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा, क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लियाम लिविंगस्टन की या जो ओयन मॉर्गन की? ऑस्ट्रेलिया अगेन विल स्ट्रगल ऑन दीज पिचेस। आप एक टीम को बहुत अंडर रेट कर रहे हैं, T20 में अगर हसनतुल्लाह जज़ई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो दे हैव द बेस्ट स्पिनिंग अटैक इन दिस कॉम्पिटिशन, वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं, सो दे आर नॉट दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रेलेवेंट। वेस्ट इंडीज डोंट मिस देम आउट, क्योंकि वो हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मार रहे हैं, और वो आपको T20 में जो रन रेट मेंटेन रखना है, और वो 8 से 9 पावर हिटर्स हैं, सो इसमें वो आप डोंट गो ऑन लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। सो पाकिस्तान विल स्टिल बी इन द रेस, लेकिन इफ दे मैनेज कि वो अपने 11 प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करें। डॉक्टर साहब, आजम की जो सिलेक्शन थी उस पर पहले ऑब्वियसली सवालात उठे, लेकिन फिर टॉक शोज में आके जस्टिफाई किया गया, डिफेंड किया गया कि बिल्कुल ठीक सिलेक्शन थी और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन था, अब वापस ले ली गई। या देखें, बात बड़ी सिंपल सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आजम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मोइन इज आवर फ्रेंड, वी हैव इवॉल्व टुगेदर। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान के जो डॉक्टर नुमान नियाज हैं वो बात कर रहे थे भारत की पावर हिटर्स की। इन्होंने ईशान किशन का नाम लिया, इन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम लिया, इन्होंने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, जो कि मैं चाहता हूं कि तीनों टीम में खेले। मैं ऋषभ पंत को पहली चॉइस नहीं मानता हूं, क्योंकि ऋषभ पंत का आप देख सकते हो आईपीएल कितना बुरा गया है और ईशान किशन का भी बुरा गया, लेकिन लास्ट मैच में जो उन्होंने राशिद खान जैसे बॉलर को मतलब इस तरीके से धोया है, आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस वर्सेज हैदराबाद का लास्ट मैच, उसके पहले भी उनका फॉर्म वापस आया है। और जब टीम इंडिया से खेलेंगे तो आपको पता है कि मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो और फिर प्रेशर उतना नहीं रहेगा आपके ऊपर, और आप एक वैसा प्लेयर चाहते हैं सहवाग टाइप का। आपको भी पता है कि अगर टीम इंडिया में रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते थे तो पहले वो स्लो स्टार्ट करते थे, बाद में स्पार्क आता था जब मतलब सेट हो जाते थे, लेकिन सहवाग का अगर आपको एरा याद हो, सहवाग एक ऐसा प्लेयर था जो कि पहले से ही स्टार्ट कर देता था। आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।